गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज माही फ्रॉम मेक मी प्रो और आज हम करने वाले हैं कट क्रीज आई मेकअप विथ 3D इफेक्ट। तो 3D इफेक्ट देने के लिए क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कंसीलर अप्लाई करना है आईज में, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्रायलोन का डर्मा बेस, जो कि मैच हो रहा है स्किन टोन से। एक टोन ऊपर होना चाहिए, एक या दो टोन भी रख सकते हो। जितना अच्छा लाइट आप रखोगे कंसीलर को, उतनी अच्छी उभर के आती है हमारी आई शेडो। और इसके बाद हमने, जैसा आप देख रहे हैं, ब्लेंडिंग ब्रश से पिगमेंट को लिए जा रहे हैं और उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से प्रॉपरली करनी है। इस चीज़ के लिए आपको शेडिंग अच्छी आनी चाहिए। अगर आप 3D आर्ट कहते हैं या 3D इफेक्ट देने करने को बोलते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपकी शेडिंग जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए 3D आर्ट के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे NYX के आई शेडो पैलेट्स यूज़ किए गए हैं। इस आई शेडो पैलेट की खासियत यह है कि पिगमेंट बहुत ईजिली ब्लेंड होता है और बहुत सॉफ्ट इफेक्ट देता है ये आई शेडो। रियली में मेरे ये इनका 3 कलेक्शन था, मैंने तीनों बाय कर लिए है बिकॉज सारे शेड्स मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का, मतलब शेडो आई शेडो जितना आप पिक करना चाहते हो उतना बड़े आसानी से पिक हो जाता है और प्लेस हो जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, पिंक शेड के लाइटर शेड से अब हम डार्कर शेड की तरफ जा रहे हैं। ये प्रोसेस आप उल्टा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले डार्कर शेड अप्लाई करें और उसके बाद लाइटर शेड पे भी जा सकते हैं। दोनों प्रोसेस हो सकता है, मतलब दोनों चीज़ें आप कर सकते हो आई शेडोज़ में, लेकिन हमने लाइटर शेड पहले किया था और अब हम डार्कर शेड की तरफ जा रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट कलर्स हैं जिनको आपको धीरे धीरे देना है, मतलब शेडोज़ में अप्लाई करना है। और देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, जहाँ पे भी अनइवन लगता है या आपको लगता है कि कलर पिगमेंट ओवर हो रहा है, तो उसके बाद उसको आप ब्लेंड करते करते, या ब्रशेस भी चेंज करना है बीच में, और कभी भी खाली ब्रश नहीं आपको चलाना है। तो थोड़ा थोड़ा पिगमेंट होना चाहिए, नहीं तो कंसीलर हट जाता है और एक पैची रिजल्ट आता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, अब हमको करना है कट, क्रीज को कट करना है। तो जो भी आप आईज में क्रीज एरिया है वो एरिया आपको सेलेक्ट करते हुए बहुत अच्छे से क्रीज तैयार करना है दोनों आईज में। और इसके लिए सेम कंसीलर हमने यूज़ किया है क्रायलोन डर्मा का। और ये देखिए लाइटर शेड यूज़ करोगे, जितना अच्छा लाइटर शेड यूज़ करोगे उतना ही जो आपका पिगमेंट है वो उभर के नज़र आता है। बट कई लोग वाइट से कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वाइट से ऑफ वाइट कलर यूज़ करना पसंद करती हूँ और मैं वैसा ही यूज़ करती हूँ। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज मैं थोड़ा सा नेचुरल मेकअप में वो करती हूँ कि हाँ नेचुरली दिखना चाहिए आपका मेकअप। वाइट कलर देने से बहुत ज़्यादा ओवर भी लगता है अगर आपका पिगमेंट अच्छे से प्लेस नहीं हुआ है तो। अब इसके बाद आपको हाइलाइटिंग एरिया में हाइलाइटर आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आप आई शेडो पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो हाइलाइटर पैलेट है वहाँ से भी पिगमेंट रख सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली लूज़ पिगमेंट है जो कि मेरे पास है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। लूज़ पिगमेंट आपके पास कोई भी शाइन नहीं होगा, वो आप यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए बिकॉज इस सेंटर एरिया है, थोड़ा सा हाइलाइटिंग होना चाहिए बहुत अच्छे से। और एक और चीज़ है, अब इसके बाद वाली जो पॉइंट है वो आपको करना है नोटिस, बिकॉज अब हमको देना है 3D इफेक्ट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ब्लेंडिंग करना, कलर को ब्लेंड कैसे करना है एक 3D इफेक्ट देने के लिए। सेंटर पार्ट को देखिए, अब यहाँ पे डार्क पिगमेंट रख रहे हैं, डार्क पिगमेंट को बिल्कुल अच्छे, जैसे आप स्कूल में शेडिंग करते थे ना सेम पेंसिल से, वैसे ही अब आपको यहाँ पे पेंसिल चलाना है ताकि डार्क साइड से एकदम लाइट साइड में छाया बनती हुई आए, परछाई बनानी है आपको बहुत अच्छे से, देखिए इस तरीके से। तो इस तरह के अगर आप शेडोज़ में करेंगे तो एक 3D इफेक्ट आता है। और क्योंकि अब हमें सेंटर पार्ट को हाईलाइट करना है, तो मैं हमारे बिल्कुल जो यहाँ के इनर कॉर्नर है आईज़ का, वहाँ से भी हल्की सी 3D इफेक्ट दे रहे हैं ताकि सेंटर पार्ट बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट हो। तो इसी तरीके से आपको शेडोज़ में करना है और एक 3D इफेक्ट आपको नज़र आएगा। बीच में आपने ग्लिटर भी देखा है कि यहाँ पे ग्लिटर भी अप्लाई कर दिया गया है, तो ये एक
हाइलाइटिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आप बहुत आसानी से आई मेकअप कर सकते हैं। जब भी आपको लाइटर पिगमेंट लगे, थोड़ा सा डार्क कीजिए, ब्लेंड कीजिए और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। और इस तरीके से बहुत इजीली आप आई शेडोज कर सकते हैं। ये आई शेडो एप्लीकेशन के ये पैलेट्स भी आते हैं, बाय कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और ऐसे ही आई मेकअप करते जाइए। कमेंट कीजिए अगर कोई क्वायरीज है तो उस पर मेकअप ज़रूर करूँगी। तो ये है 3D आईज और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में कुछ नए टॉपिक पे, मैं वीडियोस बनाऊंगी। नेल एक्सटेंशन की क्लास के लिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले कि नेल एक्सटेंशन की कंप्लीट थ्योरी पार्ट और कंप्लीट प्रोसेस आप देखने वाले हैं मेरे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।